अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स हम्बल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है जिसमें हमने सोलर पैनल यूज़ किए हैं 10 330 वाट के, जिनको पॉलीक्रिस्टलाइन, और इन सबको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। इसके VOC तकरीबन होते हैं 450 और VMP इसके तकरीबन होते हैं 360 के पास आसपास। और इसमें सोलर इन्वर्टर यूज़ किया हमने सोलर मैक्स का ओनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, IP65 रेटेड है, और इसकी PV इनपुट जो है वो 6.5 किलोवाट है, डुअल MPPT है। इसके साथ हमने बैटरी बैंक इंस्टॉल किया है ओसाका टॉल ट्यूबलर डीप साइकिल 185 AH बैटरी बैंक 48 वोल्ट पे, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ये इसके, जिसमें राइट हैंड पर जो ब्रेकर है श्नाइडर का DC ब्रेकर है 1000 वोल्ट DC 63 एम्पियर, जिसे मोनो स्विच भी यूज़ करेंगे। और साथ में हमने इनपुट और आउटपुट के दो ब्रेकर लगाए हैं श्नाइडर के, 50 एम्पियर का हमने इनपुट पर लगाया है ग्रिड इनपुट, और 32 एम्पियर का हमने आउटपुट पे लगाया है। और इसके नीचे हमने ब्रेकर लगाया बैटरी बैंक का 80 एम्पियर मित्सुबिशी AC DC ब्रेकर है, ये हमने बैटरी बैंक में इंस्टॉल किया है। और इसमें हमने लक्सेस यूज़ किए हैं, जहाँ पे यूलक्स लगाना था वहाँ पे यूलक्स लगाए, जहाँ पे ओलक्स लगाना चाहिए था वहाँ पे ओलक्स लगाएँ, जहाँ पे आईलक्स लगाना चाहिए था वहाँ पे आईलक्स लगाएँ, और हीट स्लीव्स इस पर तकरीबन हर कनेक्टर पर हमने लगाई है। अच्छा, ये सिस्टम ने आज फर्स्ट टाइम रन किया है। अच्छा, सिस्टम जो है हमने फर्स्ट टाइम रन किया है आज। अभी जो लोड चल रहा है हमारा, लोड चेक करने के लिए इस इन्वर्टर में, अच्छा ये टच स्क्रीन इसमें जो बिल्ट इन स्क्रीन है ये है वो टच स्क्रीन है, इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह भी इसी स्क्रीन के थ्रू होती हैं। अच्छा, अभी जो लोड चल रहा है इस पर वो चल रहा है 0.75 किलोवाट, आप इस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन सामने आई कि इस पर लोड चल रहा है 746 किलोवाट का लोड चल रहा है। और जो जनरेशन हमारे पास आ रही है वो आ रही है 0.82 किलोवाट जनरेशन आ रही है, 0.75 किलोवाट लोड चल रहा है, और ग्रिड कनेक्टेड है लेकिन ग्रिड से ये यूज़ नहीं हो रहा है एज़ ये स्मार्ट इन्वर्टर है। अगर इसको सोलर से जो इनपुट कम मिलेगी तब जाके ग्रिड से लेना शुरू करेगा, लेकिन अगर सोलर इसको इनफ एनर्जी दे सकता होगा तो ये सिर्फ सोलर से ही लोड को चलाएगा और बैटरी बैंक को चार्ज कर रहा होगा। बैटरी बैंक हमारा फुली चार्ज है। वेल पिन, पहले मैं आपको ग्रिड दिखा दूँ। अच्छा, ग्रिड से जो अभी तक हमने चलाया है लोड, रात को हमने ग्रिड कनेक्ट कर दी थी, बैटरी बैंक को चार्ज हमने थोड़ा ग्रिड से किया, 1.3 किलोवाट आवर जो है हमारा ग्रिड से चला है। और अभी इस वक्त ग्रिड आ ही नहीं रही है ना। वेल, हम लोग पाकिस्तान में तो यहाँ पे ग्रिड जो है वापडा आती जाती रहती है, इस वक्त ग्रिड कनेक्टेड है लेकिन आ नहीं रही है, गई हुई है। अच्छा, ये हमारी बैटरी बैंक की कंडीशन है, इस वक्त बैटरी बैंक जो है वो 100% चार्ज है, और इस वक्त भी जो है 84 वोल्ट से ये बैटरी बैंक चार्ज हो रहा है। बैटरी के इस वक्त जो वोल्टेज हैं वो 55.2 इसके वोल्टेज हैं, और ये चार्ज हो रहा है 1.53 एम्पियर से। किलोवाट जनरेशन, 0.74 किलोवाट लोड, ग्रिड से कुछ नहीं ले रहा है, और बैटरी बैंक को ये चार्ज कर रहा है माइनस, यानी ये इस वक्त बैटरी चार्ज हो रही है 0.08 किलोवाट से। वेल गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ जो है नोटिफिकेशन के बारे में आपको मिलती रहें। और गाइस, में वाईफाई स्टिक कम्प्लीमेंट्री साथ में आती है, जो हमने क्लाइंट को लगा दी है, कनेक्शन भी कर दिए हैं इसके, इसकी सोलर मैन नाम की।
सोलरमैन के नाम से इसकी एप्लीकेशन है, जिसपे आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी जनरेशन सर कितनी आ रही है अगर आप इसको नेट से कनेक्शन कर देते हैं तो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।